दोस्तों आखिर हमारे जैसे यूट्यूबर्स का क्या होगा? अजीत अंजुम, रवीश कुमार, अभिसार शर्मा, 4PM, ये वो यूट्यूबर्स हैं जो आपको पसंद हैं, जिन चैनल्स को आप लगातार देखते हैं, ये वो यूट्यूबर्स हैं दोस्तों जिनके ज़रिए न केवल लोकसभा चुनाव में लोगों ने अपनी एक समझ बनाई, बल्कि गोदी मीडिया का एक पूरा का पूरा विकल्प के तौर पर यूट्यूब के पत्रकार उभर कर आए हैं। मेरे जैसे यूट्यूबर्स तो खैर बहुत छोटे सब्सक्राइबर बेस रखते हैं, रवीश कुमार जैसे यूट्यूबर्स तो इतना बड़ा सब्सक्राइबर बेस रखते हैं दोस्तों कि एक वीडियो वो अपलोड करते हैं तो कुछ घंटों में 1 मिलियन व्यूज़ उस वीडियो के हो जाते हैं। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि हमारे जैसे यूट्यूबर्स जो लगातार सत्ता से आंख में आंख डालकर सवाल पूछ रहे हैं, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल जो नहीं कर पा रहे हैं, हम वो अपने बेहद सीमित, बेहद ना के बराबर संसाधनों से कर रहे हैं, क्या इससे इतनी घबरा गई है सरकार कि अब हमारे जैसे यूट्यूबर्स के भविष्य पर ही खतरा मंडराने लगा है? दोस्तों ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल के विरोध में लगातार कई यूट्यूबर्स की वीडियो आपने देखी होगी और इस पूरे के पूरे मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी सहित समाजवादी पार्टी और दूसरे विपक्षी दलों ने भी अपना स्टैंड क्लियर किया था कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोटने जैसा है। लेकिन पहली बार एक बड़े नेता ने इस पूरे के पूरे मुद्दे पर हमारे जैसे यूट्यूबर्स के कम से कम सपोर्ट में पहली बात बोली है, तो वो दिखानी बहुत ज़रूरी थी दोस्तों। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस पूरे के पूरे मसले पर खुलकर अपनी बात रखी है और किस तरह से हमारे जैसे यूट्यूबर्स का गला घोटने की तैयारी की जा रही है, हमारे जैसे यूट्यूबर्स को रास्ते से हटाने की तैयारी की जा रही है, ये सब कुछ मैं आपको विस्तार से बताने वाली हूँ। लेकिन पहले जानिए कि प्रियंका गांधी ने बोला क्या इस मामले में। दोस्तों प्रियंका गांधी ने महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रेस की आज़ादी को लेकर जो उन्होंने कोट्स किए थे, जो उन्होंने बातें बोली थी, वो शेयर किया और उसके बाद लिखा, ये दो उदाहरण ये बताते हैं कि हमारे नागरिकों को मिली अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता यूं ही नहीं मिली है, इसके लिए वर्षों तक लाखों लोगों ने लड़ाई लड़ी है। नागरिक स्वतंत्रता और प्रेस की आज़ादी हमारे शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों की महान विरासत है। आज़ाद भारत के इतिहास में कभी कोई सरकार नागरिकों को मिली स्वतंत्रता को कुचलने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। आज एक तरफ सत्ता के जोर से पूरे मीडिया को सरकारी भोपू बना दिया गया, दूसरी तरफ भाजपा सरकार ब्रॉडकास्ट बिल लाकर डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, OTT प्लेटफॉर्म और यहां तक कि निजी हैसियत में लिखने बोलने वालों की जुबान तक ताला लगाने की तैयारी कर रही है। ये पूरी तरह अस्वीकार्य है, देश ऐसी हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेगा। दोस्तों विपक्ष की ओर से लगातार कई आशंकाएं खड़ी की गई थी। पवन खेड़ा ने भी बाकायदा एक लंबा थोड़ा पोस्ट किया था 2 दिन पहले, जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह से ये ब्रॉडकास्ट बिल जो लाया जा रहा है, इसके जरिए पूरी तरह से जो यूट्यूबर्स हैं उनको रेगुलेट करने का डर तो न केवल पैदा हो जाएगा बल्कि हमारे जैसे यूट्यूबर्स तो खत्म ही हो जाएंगे। तो इस ब्रॉडकास्ट बिल में बहुत सी दिक्कतें हैं। मसलन ये बात सही है कि OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए कोई ना कोई रेगुलेशन की ज़रूरत थी, लेकिन अब आप सोचिए नेटफ्लिक्स जैसा OTT प्लेटफॉर्म, उसका कंपैरिजन मेरे से कैसे हो सकता है? जो कानून या जो नियम कायदे नेटफ्लिक्स पर लागू होते हैं वो मुझ पर कैसे लागू हो सकते हैं? मेरे पास तो ले दे के एक वीडियो एडिटर है, एक ले दे के वीडियो एडिटर और एक अकेली में हम दो लोगों के पूरा का पूरा चैनल चला रहे हैं और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसको शूट भी मैं खुद ही करती हूँ, फिर मैं अपने एडिटर को भेजती हूँ, वो एडिटर एडिट करता है और फिर हम वीडियो को अपलोड करते हैं। उसमें सारा का सारा कॉन्टेंट हमारा होता है, कोई रिसर्च की टीम नहीं है क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अब दिक्कत ये है कि जो जो रेगुलेशंस नेटफ्लिक्स पर लागू होंगी या दूसरी OTT प्लेटफॉर्म्स पर लागू होंगी वो मुझ पर लागू होंगी, तो मैं कहाँ से ये सब चीज़ें अफोर्ड कर सकती हूँ? अगर मुझसे कहा जाएगा कि आप कोई ग्रेवियांस हैंडलिंग टीम बनाइए या कोई लीगल टीम बनाइए, तो मैं उनको पैसा दूंगी या मैं दूसरे जो मेरे एडिटर है उनको पैसा दूंगी या मैं अपना खर्चा चलाऊंगी? इतना तो पैसा आता ही नहीं है यूट्यूब से, तो फिर मेरे जैसे यूट्यूबर्स के लिए चैनल बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा दोस्तों आकार पटेल जैसे लिखने पढ़ने वाले लोग लगातार इस मामले में लिखते रहे हैं, बोलते रहे हैं और उन्होंने बकायदा इस पूरे के मुद्दे पर आर्टिकल लिखा है और उन्होंने बताया कि आखिर इस तरह का कदम उठाने की ज़रूरत क्यों पड़ी है सरकार को। आकार पटेल अपने आर्टिकल में लिखते हैं, स्वतंत्र आवाज़ों का हमारे लोकतंत्र में कितना प्रभाव पड़ता है या पड़ा, इसके लिए कोई शैक्षणिक अध्ययन करना होगा या कोई किताब लिखनी होगी। लेकिन मेरे दिमाग में तो एक बात साफ है कि इन लोगों ने मोदी के नियंत्रण वाली सरकारी नैरेटिव को तोड़ने और उनका एक छत्र राज खत्म करने का काम तो किया है। यही कारण है कि सरकार इन स्वतंत्र आवाज़ों और स्वतंत्र पत्रकारों का गला घोटने का कदम उठा रही है। इसे सरकार ब्रॉडकास्ट बिल के जरिए करने की कोशिश कर रही है जो चर्चा में है। मोटे तौर पर इस बिल में हर उस व्यक्ति को नियमित
या कहें कि नियंत्रित करने की बात है जो सोशल मीडिया पर है, क्योंकि इसी तरीके से सरकार ऐसी सामग्री में हस्तक्षेप कर सकती है, उसे ब्लॉक कर सकती है या प्रतिबंधित कर सकती है या जो उसे पसंद नहीं है। सरकार स्वतंत्र द वायर, स्क्रॉल, न्यूज लॉन्ड्री और न्यूज मिनट जैसी वेबसाइट के पीछे भी पड़ी हुई है। दोस्तों, एक न्यूज चैनल से कहा जाए कि आप लाइसेंस लें तो वो तो लेगा ही और लेता भी है। न्यूज चैनल्स सैटेलाइट टीवी हैं, इतना भारी भरकम खर्चा है और इतने भारी भरकम एड से उनको रेवेन्यू मिलता है। अब मुझसे कहा जाए कि आप पहले लाइसेंस लीजिए, मैं कहाँ लाइसेंस के लिए धक्के खाऊंगी, लाइनें लगाऊंगी और वो लाइसेंस पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लाइसेंस मिलने के लिए तो सरकार पर मुझे निर्भर रहना पड़ेगा ना। 1% अगर इस नए बिल में मुझे भी उसी में शामिल किया जाता है, मेरे जैसे यूट्यूबर्स को शामिल किया जाता है, तो हम तो स्टैंड ही नहीं कर पाएंगे क्राइटेरिया में, क्योंकि क्राइटेरिया बनाने वाली भी सरकार है। और सबसे ज्यादा खतरनाक बात तो ये है दोस्तों कि ये पूरा का पूरा ब्रॉडकास्ट बिल कैसा होने वाला है, इसकी रूपरेखा कैसी होने वाली है, इसके बारे में हमसे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। हम पर ये कानून लागू होंगे तो हमको कम से कम बिल दिखाया तो जाए, हमें बताया तो जाए कि बिल को लेकर इस तरह की अगर आपकी आशंकाएं हैं, इस तरह का अगर आपका डर है तो हम इस डर को ऐसे खत्म कर सकते हैं, हमसे बात तो की जाए। दोस्तों, मैं लगातार पिछले कई महीनों से ये बात बोल रही हूँ कि 2014 का जो चुनाव था वो आखिरी चुनाव था जो टीवी पर लड़ा गया था, उसके बाद 2019 का चुनाव सोशल मीडिया में लड़ा गया था और 2024 का चुनाव पूरा का पूरा चुनाव यूट्यूब पर लड़ा गया था। वो पूरा का पूरा नैरेटिव जो मोदी मीडिया ने बनाया ध्वस्त हो गया, नहीं चला, बिल्कुल नहीं चला। मोदी जी न्यूज चैनल्स को, एक एक न्यूज चैनल को 3-3 इंटरव्यू देते रह गए और अंत में हुआ वही जो हमारे जैसे यूट्यूबर्स कर रहे थे। दोस्तों, जिस दिन अमेठी में वोट पड़ा था, मैंने उस दिन वोटिंग खत्म होने के बाद आपको बता दिया था कि स्मृति ईरानी अगर जीत गई अमेठी तो कोई चमत्कार हो सकता है। लगातार उत्तर प्रदेश को लेकर मैंने, बहुत से ऐसे पत्रकार बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बहुत जोर का झटका लगने वाला है, तब हमारा मजाक उड़ाया जा रहा था, लेकिन अंत में हमारे जैसे पत्रकार सही साबित हुए। हम लगातार ये कह रहे थे पूरे चुनाव में राहुल गांधी का संविधान का मुद्दा उठाना बीजेपी के गले की फांस बन गया था। उस वक्त दोस्तों गोदी मीडिया के पत्रकार हमारा मजाक उड़ा रहे थे ये कहते हुए कि अरे यार, संविधान का जैसे टेक्निकल मुद्दा चुनाव का मुद्दा बन सकता है, लेकिन हुआ एग्जैक्टली वही हुआ जो हम बात कह रहे थे। तो इस बात को तो सरकार भी स्वीकार करती होगी, सरकार की जो पपिट मीडिया है वो भी स्वीकार करती होगी कि ना तो आपका नैरेटिव चला और ना ही उस मीडिया में मोदी जी को लगातार दिखाया जाना चला। हर फेज में जब वोटिंग होती थी, मोदी जी किसी ना किसी न्यूज़ चैनल में इंटरव्यू देते थे, उसके बावजूद भी लोगों ने अपनी बुद्धिमत्ता से वोट किया। और आज ये बात सच है दोस्तों कि आप व्यूज़ काउंट कर लीजिए, चाहे अजीत अंजुम की कर लीजिए, चाहे अभिषेक शर्मा की कर लीजिए, चाहे रवीश कुमार की कर लीजिए, इन सबके व्यूज़ किसी बड़े न्यूज़ चैनल के यूट्यूब चैनल का, जो कोई भी बड़ा न्यूज़ चैनल आप उठा लीजिए, उनके यूट्यूब चैनल के व्यूज़ आप देख लीजिएगा, आपको कई बार बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स के व्यूज़ को देख के, मतलब उनके यूट्यूब चैनल के व्यूज़ को देखकर हंसी आएगी। कई बार तो हज़ार में व्यूज़ होते हैं और इन यूट्यूबर्स के व्यूज़ को आप जानते हैं। ये व्यूज़ का दायरा लगातार बढ़ रहा है। जो क्रेडिबिलिटी का संकट था, वो जितना बड़ा संकट गोदी मीडिया के आगे खड़ा हो रहा है, उतनी ही क्रेडिबिलिटी यूट्यूबर्स की बढ़ी। और ख़ास तौर पर लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद तो हमारी क्रेडिबिलिटी और बढ़ी है, लोग न्यूज़ के लिए हमारी तरफ देख रहे हैं। तो क्या यही बात है दोस्तों जो सरकार को डरा रही है? आखिर इस ब्रॉडकास्ट बिल में क्या वाकई में हमारे जैसे यूट्यूबर्स का गला घोटने की तैयारी की जा रही है? दोस्तों, ये केवल हमारे जैसे यूट्यूबर्स के लिए खतरा नहीं है, जितना सुनने में आ रहा है उतना ये है कि वो लोग जो स्वतंत्र है एक नागरिक के तौर पर, इंस्टाग्राम पर कोई पॉलिटिकल वीडियो बनाते हैं या कोई ऐसी वीडियो बनाते हैं किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, यूट्यूबर नहीं है वो, लेकिन वो लोगों को कम से कम जागरूक करते हैं, अपनी पॉलिटिकल राय रखते हैं, वो भी इसके अंतर्गत आएंगे। मतलब एक नागरिक अगर अपने स्वतंत्र राय फेसबुक पर एक लंबे पोस्ट के जरिए या आर्टिकल के जरिए कोई ब्लॉग लिखता है तो वो भी इसके दायरे में आएगा। तो मतलब क्या ये जो सत्ता है, जो सरकार है, ये स्वतंत्र आवाज से इतना डर गई है? जो गोद में बैठने वाले थे वो तो गोद में बैठ गए, और जो तलवे चाटने को तैयार नहीं है, गोद में बैठने को तैयार नहीं है, आप क्या उनका पूरी तरह से गला घोट देंगे? दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या इस सरकार के लिए इतना आसान होगा ये बिल लाना, क्योंकि अब लोकसभा में बहुमत नहीं है लेकिन एनडीए के पास बहुमत है? और हालांकि विपक्ष कह रहा है कि हम ऐसा होने नहीं देंगे, प्रियंका गांधी ने सपोर्ट किया है हमारे जैसे यूट्यूबर्स का, लेकिन फिर भी अगर सरकार पीछे के दरवाजे से ले आए, कोई अध्यादेश ले आए, तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी सरकार के लिए कोई भी कानून पारित कराना। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? उस देश के लिए दोस्तों जहाँ पर प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में लगातार वो गिर रहा है, लगातार, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन। ये दो ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।